अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको ट्राउज़र के बॉटम पे प्लीट्स का डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। व्यूअर्स, आपने इस तरह की बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन जिस तरह से हम आपको सिखाएंगे वो बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं व्यूअर्स। सबसे पहले हम यहाँ बॉटम लाइन पर ये कपड़ा लगा के, यहाँ सिलाई लगा के इसको अंदर की तरफ टर्न करेंगे। अगर आपके पास कपड़े की लेंथ ज़्यादा हो तो आप इसको भी अंदर की तरफ टर्न कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कपड़ा लगा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब हम यहाँ इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ ऊपर सिलाई लगाएंगे। हमने यहाँ किनारे पे सिलाई लगा के इसको इस तरीके से सेट कर लिया है। अब हम यहाँ प्लीट्स की तैयारी करेंगे। अब हम यहाँ प्लीट्स के लिए सबसे पहले इसी बॉटम लाइन को इस तरह से अंदर की तरफ टर्न करेंगे। ये हमारी कपड़े की सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। तो यहाँ से हम एक इंच का मार्जिन लेंगे व्यूअर्स, यहाँ से हम एक इंच का मार्जिन लेंगे, लेकिन सिलाई हमारी हाफ इंच पे होगी। ये आप देख सकते हैं कि ये हमने एक इंच का मार्जिन लिया है। यहाँ से इस सिलाई को हमने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड किया है और यहाँ से हम एक इंच का मार्जिन लेंगे। एक इंच का मार्जिन लेने के बाद सिलाई हम यहाँ पे हाफ इंच पे लगाएंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ से इस सिलाई से यहाँ तक हमारा एक इंच का गैप है, लेकिन हम यहाँ हाफ इंच पे इसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ से इसका साइज लेते जाएंगे और यहाँ सेंटर में सिलाई लगाते जाएंगे। व्यूअर्स, ये हमने अपना पहला प्लीट बना लिया है। व्यूअर्स, अब हम यहाँ से पहले प्लीट से एक इंच का मार्जिन लेके यहाँ पे सिलाई हाफ इंच पे लगाएंगे। पहले हमने इस बॉटम लाइन से एक इंच का गैप लिया था और सिलाई हमने हाफ इंच पे लगाई थी। अब हम पहले प्लीट्स से यहाँ से लेके यहाँ पे एक इंच का गैप लेंगे और यहाँ पे हाफ इंच पे सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, ये हमारे दो प्लीट्स तैयार हो गए हैं इस तरह से। इसी तरह से अब हम तीसरा प्लीट भी तैयार करेंगे। व्यूअर्स, अब हम दोबारा इस दूसरे प्लीट्स की सिलाई से यहाँ एक इंच का गैप लेंगे, लेकिन सिलाई यहाँ हाफ इंच पे लगाएंगे। इस तरह प्लीट्स के दरमियान हमारा हाफ इंच का गैप होगा और हाफ इंच प्लीट होगा।
गर्ल्स, ये हमारे तीन प्लीट्स बन गए हैं। अब हम इसी तरह से चौथा प्लीट भी बनाएंगे। व्यूअर्स, अब हम चौथे प्लीट के लिए यहाँ तीसरे प्लीट की सिलाई से एक इंच का मार्जिन लेंगे, लेकिन यहाँ सिलाई हाफ इंच पे लगाएंगे। व्यूअर्स, ये हमारे चार प्लीट तैयार हो गए हैं। अब हम पांचवा प्लीट भी उसी तरह बनाएंगे। व्यूअर्स, अब हम पांचवें प्लीट के लिए यहाँ पहले प्लीट से एक इंच का गैप लेंगे और पहले की तरह हाफ इंच पे सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, इसी तरह से अब हम यहाँ से अगले प्लीट का साइज़ लेंगे एक इंच और हाफ इंच पे सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, ये हमारे सिक्स प्लीट हो गए हैं। अब हम एक प्लीट और देंगे। व्यूअर्स, अब हम सेवन वाला प्लीट सिलाई करेंगे और यहाँ पहले वाले प्लीट से एक इंच का गैप लेंगे और सिलाई हाफ इंच पे लगाएंगे। हमने यहाँ पे सेवन प्लीट्स बनाए हैं। अगर आपके पास कपड़े की लेंथ ज़्यादा हो तो आप इन्हें मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कम से कम पाँच छः प्लीट तो ज़रूर बनाएं ताकि ये एक मुकम्मल डिज़ाइन बने। अब हम इस साइड को इस साइड के ऊपर इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ से अपने पांचे का साइज़ लेंगे। तो हमारे पांचे का साइज़ है 7.5 इंच, तो हम यहाँ 7.5 पे निशान लगाएंगे। बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी हम निशान लगाएंगे दोनों साइडों पे। अब हम इसको इस तरह से खोलेंगे और यहाँ जो हमने निशान लगाए हैं इस निशान पे हम ऊपर से लेके नीचे तक लाइन लगाएंगे। तो यहाँ भी हम लाइन लगाएंगे और इस साइड पे भी हम इस तरह से ऊपर से लेके नीचे तक लाइन लगाएंगे। फिर इस निशान से लेके इस निशान तक ये जो हमारा दरमियानी गैप है यहाँ पे हम 2.5 इंच के वक्फे से निशान लगाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम 2.5 इंच के वक्फे से निशान लगाएंगे। इसी तरह इस निशान से लेके इस निशान तक और इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक। और यहाँ से लेके यहाँ तक व्यूअर्स, अब हमने ये जो निशान लगाए हैं यहाँ पे हम स्केल से इस तरह से ऊपर से लेके नीचे तक लाइन लगाएंगे। इसी तरह यहाँ भी
फिर हमने यहाँ पे 2.5 इंच के फासले से ये निशान और लाइनें लगाई हैं। आप अपनी इस लेंथ के हिसाब से 2 या 3 इंच के फासले पे भी निशान लगा सकते हैं। व्यूअर्स, ये जो हमने 2.5 इंच के वक्फे से लाइनें लगाई हैं, यहाँ सबसे पहले हम ऊपर से सिलाई नीचे की तरफ लेके आएंगे, फिर ये जो हमारा दरमियानी गैप है यहाँ से हम प्लीट्स को इस तरह से टर्न करते हुए सिलाई नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। सबसे पहले हम सिलाई यहाँ से शुरू करेंगे। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, ये हमने ऊपर से नीचे तक की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम यहाँ दरमियानी गैप में प्लीट को इस तरह से टर्न करेंगे और नीचे से सिलाई ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। व्यूअर्स, अब हम प्लीट को टर्न करेंगे और इसको मुकम्मल पीछे तक नहीं लेके जाएंगे, बल्कि इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे इस तरह से और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से दूसरा भी इस तरह से टर्न करेंगे। ये हमने एक साइड पे प्लीट्स पे सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हम इस दूसरे गैप में प्लीट्स को इस तरह से टर्न करके नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, हमने 3 साइड्स में डिज़ाइन मुकम्मल कर लिया है। इसी तरह से हम अगली 3 साइड्स में भी डिज़ाइन मुकम्मल करेंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ आखिरी साइड पे सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम यहां से अपने पांचे का साइज लेके इसको अंदर टर्न करते हुए यहां पे इनर लेग की सिलाई लगाएंगे और अपने ट्राउज़र को मुकम्मल करेंगे।